नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया। भारतीय युवा मोर्चा मंडल फतेहपुर की बैठक रेस्ट हाउस फतेहपुर में मंडला अध्यक्ष करतार पठानिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने विशेष रूप से शिरकत की। बैठक वन बूथ 20 यूथ कार्यक्रम का आगाज करते हुए बूथ स्तर पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मंडल प्रभारी युवा मोर्चा सतिंदर गुलेरिया ने बताया कि हाईकमान के निर्देशों पर वन बूथ 20 यूथ कार्यक्रम के तहत बैठक की गई है, जिसमें युवाओं को युवा मोर्चा के साथ जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने कहा कि युवा ही चुनाव की रूपरेखा बनाते हैं, इसलिए आने वाले चुनावों के लिए भी युवाओं को तैयार करना प्राथमिकता रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों को पकड़ा गया है, कार्रवाई जारी है। भाजपा सरकार नकल और नकली डिग्रियों के मामले पर सख्त है, ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की मंडल की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जैसा सब लोग जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में पहला ऐसा राजनीतिक दल बनने वाला है जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को डिजिटलाइज करने का काम कर रहा है। पिछले दिनों में हमने भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों को हमने डिजिटलाइज किया था। 10 दिन का हमारा कार्यक्रम था। 29 विस्तारकों ने घर घर जाके जितने वोटर लिस्ट में पन्ने हैं, हर 30 आदमी पर एक व्यक्ति को प्रमुख नियुक्त किया था। अभी हमारा जो कार्यक्रम आ रहा है उसमें युवा मोर्चा का कार्यक्रम है वन बूथ 20 यूथ। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पे जाएंगे, अपने मोबाइल में उनके आधार कार्ड लेके, उनके मोबाइल नंबर लेके, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका पूरा बायोडाटा जो है उसमें दर्ज करेंगे, और हर पोलिंग बूथ से कम 20 लोग जो हैं, 20 कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे। इसके बाद महिला मोर्चा का भी वन बूथ 20 महिलाएं का कार्यक्रम है, किसान मोर्चा का भी, SC मोर्चा का भी, OBC का भी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने हर पोलिंग बूथ पर लगभग 100 से 150 कार्यकर्ताओं को कलमबंद कर रही है, ताकि उनसे एक जो टेक्नोलॉजी है डिजिटलाइज अपनी IT की, उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं से आसानी से जुड़ा जा सके। और इस कार्यक्रम के खत्म होने पे हम दावे से कह सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने कार्यकर्ताओं को पूरा उसने कंप्यूटराइज सिस्टम में जोड़ रखा है। गलती करता उसके पे कार्रवाई होगी, उसको उन लोगों को पकड़ लिया गया है, और अगर उसमें और भी कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नकल और नकली डिग्रियों के लिए बिल्कुल सख्त हैं, और जो लोग इन काम में लगे हुए हैं उन लोगों को सजा दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं।